नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सान्या। आज फिर एक बार अतिक्रमण अभियान का डंडा गरीबों पर गिरता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें, ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 के सामने काजीपुर स्लम बस्ती का है। और यहाँ पर जो मौजूद लोग आपको दिख रहे हैं ये भी इसी बस्ती के रहने वाले। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी की मदद से लोगों का घर जो है तोड़ा जा रहा है। लोगों में हाथाहाश मचा हुआ है। कल तक इनके पास रहने के लिए छत था, लेकिन आज इनके पास से वो भी छीन लिया गया। जी हम आपको बता दें, दरअसल ये लोग राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 के पास जो इलाका है यहाँ वर्षों से रहते आए हैं। और अब अचानक से कल रात को इन्हें सूचना मिली कि आज इन्हें अपना घर खाली करना है, जिसके बाद से लोगों का कहना है कि सरकार कम से कम एक महीने का नोटिस भेज दी घर खाली कराने का, लेकिन बता दें सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सीधे इनके घर से छत छीन लिया गया। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इन्हें अपने घर से सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। अब सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जहाँ सरकार कहती है कि वो आम जनता के साथ है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के ऊपर इस तरह से जुर्म करती नजर आ रही है। पहले हम आपको सुनाते हैं लोगों का कि क्या कुछ कहा है लोगों ने। समझ में आ जाती है नीतीश क्या मांग कर दो, क्या मुआवजा सर मिलना चाहिए, सर हमको रहने के लिए जगह चाहिए, व्यवस्था घर दिया गरीब आदमी जाएंगे क्या, हम लोग कमाएंगे खाएंगे कि घर में कहाँ जाएंगे। एक दिन पहले मिला था बस रात में, सर रात में हम लोग उसके बाद अलाउ किया, अलाउ कर रख दिया। नोटिस भी लेना था, अचानक से तोड़ दिया मैडम। आज सबको धमकी दिया कि नहीं तो मार के बिलगा देंगे, सबको लगा उका देंगे रूम उम सब। आज तोड़ने का जैसे तैसे सामान निकाले सर, अपने कारण सब गिरा दिए। आज हटाने के लिए पहले तो बोला गया था, नहीं नहीं कुछ नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं, मैंने सूचना दिया रात में कुछ बोले तो कुछ, सर रात में हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, न कोई व्यवस्था है ना कुछ है। अरे क्या पानी का व्यवस्था था, पानी का बोरिंग भी तोड़ दिया, अरे पानी कहाँ पिएगा बताइए तो। सुनने के लिए नोटिस भी देता है ना, बोलिए नोटिस भी नहीं दिया, आके डायरेक्ट हाथ लगा दिया है। आपसे तो नहीं हटे लाठी जितना घर है ना सब टूटेगा, हम लोग जगह दे सर, सामान हम लोग नहीं निकाल पाया, हम लोग निकालने जा रहे हैं तो पुलिस मार रहा है। आप लोग यहाँ काफी दिन से रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग हैं कम से कम 50 वर्ष से रहने वाले यहाँ पर, यहाँ पर कल आया अनाउंसमेंट किया कि आप लोग का कल 10 बजे टूटने वाले हैं, ये दिए नोटिस दिए हैं 15 दिन पहले कानूनी तौर पे नोटिस मिलना चाहिए, जो भी होता है 15 दिन कम से कम। अब व्यवस्था भी नहीं, उस पर व्यवस्था दिया जाए की तोड़ने के लिए चले हैं, क्यों चले हैं पहले बताया गया था, नोटिस दिया गया था पहले बताया गया था, नहीं कुछ नहीं बताया गया हम लोग को कब तोड़ना कब नहीं तोड़ना है। एक है की तोड़ने के लिए चले हैं, क्या मांग कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या मांग करते हो सरकार से रहने के लिए, क्या चाहिए रोकना चाहिए इसको, समय दीजिए हम लोग का, कहीं व्यवस्था कीजिए, उसके बाद हम लोग खुद चले जाएंगे दूसरे जगह विस्थापित हो सकता है वो। हाँ, हम लोग खुद चले जाएंगे दूसरे जगह, दूसरे जगह जगह भी दिया जा सकता है। हाँ जगह दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। हम लोग समय का डिमांड है, समय का मांग करते थे, समय का मांग कर रहे हैं हम लोग, कम से कम पहले बताया नहीं गया था, पहले एक महीना का समय देता कुछ भी, यहाँ आते तुम लोग व्यवस्था कर दो अपना, एक महीना बाद टूटने वाले हैं, झाड़वा तोड़ता। पूजा को लेकर भी दिक्कत हो रहा है, पूजा को लेकर भी दिक्कत हो रहा है, पूजा लेकर दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ कितना परिवार पूजा करता है, पूजा नहीं करेगा कहाँ जाएगा पूजा करने के लिए, हम टूटेगा फिर बनाएंगे यहाँ पूरा, क्या कर सकते हैं, क्या मांग करते हो, मांग यही है की बना कर दिया जाए। तो देखा आपने, जिस तरह से लगातार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन लोगों को घर खाली करने तक का समय नहीं दिया गया और अब बलपूर्वक हटाया जा रहा है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर हटाया भी जा रहा है तो इसके बदले उन्हें कहीं और जगह क्यों नहीं दिया गया। वहीं अभी शहर में पानी से हुए नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजे की बात हो रही थी, वहीं अब खुले आसमान के नीचे रहने को ये मजबूर है बेसहारा, जिन पर किसी सरकार महकमे की नजर नहीं है। तो अभी फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।
न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।